दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आया हूं दोस्तों ऊना, और आज जो है आपको मैं दर्शन कराने वाला हूं ऊना का सबसे प्रसिद्ध मंदिर महादेव मंदिर के। जी हां दोस्तों, ऊना में आया था मैं एक ज़रूरी काम से, तो सोचा क्यों ना आपको आज महादेव मंदिर के जो है दर्शन करवाऊँ। ऊना से लगभग 4 किलोमीटर पर स्थित है कोटला कला गाँव, जहाँ पर कि महादेव मंदिर है। तो अभी जो है मैं उस तरफ को जा रहा हूँ। रोड आप देख सकते हो दोस्तों, इस तरह की जो है आपको रोड देखने को मिलेगी। तो अभी दोस्तों मैं मंदिर के पास पहुंचने वाला हूं, और सामने आप देख सकते हो महादेव जी की 81 फुट की दोस्तों बहुत ही सुंदर सी प्रतिमा जो है दिख रही है। तो अभी जैसे मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं हम, और पहुंच के जो है आपको दर्शन कराऊंगा। कमेंट सेक्शन में दोस्तों हर हर महादेव जरूर लिखें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर आप चंबा के खजियार में गए होने, तो आपने वहाँ पे भी ज़रूर देखी होनी कि भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी सी जो है प्रतिमा देखने को मिलती है। बिल्कुल सेम दोस्तों ये ऊना वाली भी बिल्कुल सेम ही है, बस फ़र्क इतना है कि जो ऊना वाली है वो 81 फुट है, और जो चंबा वाली है वो है 85 फुट। भोलेनाथ जी की दोस्तों ये प्रतिमा ही जो है महादेव मंदिर की मेन अट्रैक्शन है, जिसे देखने के लिए लोग जो हैं दूरों दूरों से यहाँ पर आते हैं। अब चलते हैं दोस्तों मंदिर के अंदर, और अंदर चल के जो है दर्शन करते हैं। अब आपको दोस्तों मैं भगवान भोलेनाथ जी की प्राचीन स्वयंभू निर्मित शिवलिंग के दर्शन कराऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये है भोलेनाथ जी की प्राचीन शिवलिंग जो है दोस्तों स्वयंभू निर्मित है, यानी कि अपने आप ही जो है यहाँ पे शिवलिंग प्रकट हुई है। और साथ में दोस्तों आपको बहुत सारे देवी देवताओं के जो है दर्शन यहाँ पे होते हैं। दोस्तों हो सके तो आप रात के टाइम को इस मंदिर में आना। रात के टाइम का जो यहाँ पे नज़ारा होता है, लाइटिंग होती है दोस्तों, बहुत ही जो है सुंदर होती है। क्या बात है जी, बहुत ही सुंदर जो है बनाया हुआ है मंदिर दोस्तों। वाह, कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, और देखिए कितने अच्छे तरीके से बनाया है। लास्ट टाइम मैं आया था यहाँ पे शिवरात्रि को, और पिछले साल शिवरात्रि को आया था लास्ट टाइम, और उसके बाद आया हूँ आज। तो भाई बहुत सारा चेंज आ गया यहाँ पे, बहुत ही अच्छा बना दिया मंदिर। उस टाइम ये नहीं बन रहा, ये बन रहा था उस टाइम, ये वाला हिस्सा। और ये जी सामने लंगर हॉल, यहाँ पे लंगर की व्यवस्था भी है, और किसी को स्टे करना हो तो स्टे के लिए भी यहाँ पे है। हर हर महादेव।